अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर संकेत बेहतर होते नजर आ रहे हैं। महीने दर महीने के आधार पर अप्रैल में 8 कोर इंडस्ट्री की विकास दर बढ़कर 8.5% रही है। मार्च में ये विकास दर 6.4% रही थी। बिजली और स्टील के उत्पादन में विशेष बढ़त देखने को मिली है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक लवासा को वित्त सचिव नामित किया गया है। लवासा इस समय व्यय सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वो 1980 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। बाजार के लगातार 5 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया है। सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 4.25% तक गिरकर बंद हुए हैं। निफ्टी गिरकर 8160 पर बंद हुआ है और सेंसेक्स 58 अंक लुढ़ककर 26668 के स्तर पर बंद हुआ। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ने कहा है कि दिल्ली और केरल की तर्ज पर देश के अन्य बड़े शहरों में डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध की कोई योजना नहीं है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि इस बारे में कोई फैसला लेने से पहले विभिन्न राज्यों के प्रदूषण के आंकड़ों की समीक्षा की जाएगी।